Hi everyone, welcome to BizSaaS Academy. So in this lesson, we are going to solve the Montreal Protocol under the environment and ecology for the UPSC and many state PCS examinations like JPSC. So under the environment and ecology, बहुत सारे जो protocols हैं जो कि environment and ecology के लिए important है. Earlier we have covered the Vienna Convention, फिर हम लोगों ने उससे पहले Rio Convention, United Nations Framework Convention on Desertification, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये सभी हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स इसको ऑलरेडी कवर किया है और जो भी अपकमिंग जो भी इम्पोर्टेंट जो होंगे जैसे रामसार कन्वेंशन है, साइट्स है, तो और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशन होंगे फ्रॉम दी प्रीलिम्स एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग कवर करेंगे. सो इस लेक्चर में हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कवर करेंगे. सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी. And you can subscribe our channel BizSaaS Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like JPSC. So lecture start करते हैं. So सबसे पहले आप देखो कि ये Montreal Protocol है क्या. एक छोटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि काम करती है, बहुत सारे आप देखोगे तो जो सब्सटेंस होते हैं जो कि ओजोन डिप्रेशन का काम करते हैं, तो जो भी सब्सटेंस जो कि ओजोन डिप्रेशन का काम करते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन है उसको रोकने का काम है. वियना कन्वेंशन है जो कि जो भी डील करती है ओजोन लेयर से. तो ये जो वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बेसिकली दोनों प्रोटोकॉल मिल करके ऐसा काम करती है कि जो भी ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्शन का काम करती है. और आप अगर देखोगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन जो कि यूनिवर्सली रेक्टिफाइड ट्रीटी है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसी के बेसिस पे हम लोग वर्ल्ड का जो ओजोन डे है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर. सो ये बात है. और अभी स्टार्ट करते हैं कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि डिजाइनेटेड टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय पासिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन. तो जो भी सब्सटेंस जो कि ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको फेज आउट करना और उसका प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, ये सभी बातें बोली गई हैं. और ये जो आप अगर देखोगे तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इट ओपन फॉर द सिग्नेचर ऑन 16 सितंबर 1987. इट वाज मेड पर्सुएंट टू द 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर. सो वियना कन्वेंशन जो कि 1985 में आई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, उसको ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट करती है, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, मतलब ठीक है, मतलब एक उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक जो नया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के अंडर ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है. और आप अगर देखोगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली जो कि आई थी कम इनटू फोर्स इन जनवरी 1st 1989 में, और अभी तक इसमें बहुत सारे रिविजन्स हुए हैं जो कि 1990 से स्टार्ट हुई थी जो कि लंदन में हुई थी, और अभी ये जो लेटेस्ट हुई है वो 2016 में हुई है किगाली जो कि युगांडा की कैपिटल है, ठीक है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट द ओजोन होल इन अंटार्कटिका स्लोली रिकवरिंग. Climate projection indicate that the ozone layer will return to 1980 levels between 2050 to 2070. तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा था पहले ड्यू टू जो भी सब्सटेंस जो कि ओजोन को डिप्लेशन करते हैं उनके प्रोडक्शन से जो भी डिप्लेशन हो रहा था, तो चूंकि अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली यूनिवर्सली रेक्टिफाइड प्रोटोकॉल हो चुकी है, हर कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है, तो वो एक मेजर्स ले रहे हैं टू कंट्रोल दी ओजोन डिप्लेशन. और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा जो ओजोन लेयर है वो बेसिकली धीरे धीरे रिकवर कर रहा है. और ये बात बोली गई है कि जो 1980 का जो लेवल था अब हमारा जो ओजोन लेयर वो लगभग हमारा 2050 से 2070 तक वो कंप्लीट हो जाएगा. और पार्टीज में आप देखोगे तो वियना कन्वेंशन ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली रेटिफाइड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स है उन्होंने सब ने ये ट्रीटी वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई करके रखा है. तो ये पहली एक यूनिवर्सली रेक्टिफाइड ट्रीटीज है, ठीक है, इन द यूनाइटेड नेशन हिस्ट्री. तो यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में जो सबसे पहली ट्रीटी जो कि यूनिवर्सली रेक्टिफाइड है, मतलब सभी कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द वियना कन्वेंशन. सो सबसे पहले आप समझो कि जो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है ये बेसिकली ओजोन लेयर है क्या, ठीक है. तो ओजोन लेयर आप जैसे जानते हो कि जो हमारा एटमोसफेयर है
जो अर्थ का एटमोस्फेयर, उसमें बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, और भी बहुत सारे स्पेयर्स होते हैं, मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है। तो ये जो लेयर होती है, बेसिकली एक तरह की लेयर होती है जो कि एज पर दी हाइट डिवाइडेड होती है। सॉरी, सो दिस लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम सन हार्मफुल यूवी रेडिएशन एंड अब्जॉर्ब 97 to 99% ऑफ द यूवी रेडिएशन कम फ्रॉम द सन। तो जो भी सन से जो भी यूवी रेडिएशन आती है, जो कि अल्ट्रा वायलेशन रेडिएशन आती है, तो उसको क्या करती है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, और लगभग 97 से 99% तक ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है। और यूवी रेडिएशन को आप अगर देखोगे तो ये क्या करती है, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, और बेसिकली जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे स्किन डिजीज, जैसे स्किन कैंसर हो गई, फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको वीक करती है, जो हमारा ओशन जो इकोसिस्टम है उसमें जो प्लैंकटन आप देखोगे तो प्लैंकटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे जो फिशेस है वो प्लैंकटन पे अपने डिपेंड होती है फॉर द फीडिंग, ठीक है, तो फीडिंग के लिए वो प्लैंकटन पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारा जो बेसिक हमारा जो ओशन इकोसिस्टम है उसमें प्लैंकटन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन प्लैंकटन का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम हो जाता है ड्यू टू दिस यूवी रेडिएशन। फिर हमारे जो फार्म में जो भी फार्म्स है, जो भी क्रॉप्स होते हैं, उनके प्रोडक्शन को भी, मतलब उनका जो जो पैदावार होता है वो भी बहुत कम हो जाता है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या होता है, मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट कर उसका मतलब क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन का मतलब होता है थिनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। तो अब जैसे मैंने बोला कि आप इस पिक्चर में देखो कि ये जो क्या है, ये थिकनेस होता है एज पर दी हाइट, ये जो इतनी थिकनेस आप देख रहे हो, ये ओजोन लेयर है, ये बेसिकली ओजोन लेयर, ये इतनी थिकनेस है। अब क्या होगा, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मान लो उसका अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो ये जो लेयर जो कि लगभग 17 से 50 किलोमीटर का जो प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो क्या करेगा, धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, जो यूवी रेडिएशन जो कि सन से आती है वो डायरेक्टली हिट करेगी अर्थ को, और फिर स्किन कैंसर और जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होंगी। जो केमिकल कंपाउंड जो कि ओजोन ओजोन लेयर है उसको डिप्लीशन का जो भी काम करती है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ODS, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और आप अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरो टेट्रा क्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, फिर हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन है, फिर हेलोन्स है, तो और भी बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में आती हैं। और आप अगर देखोगे तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मोस्ट अबेंडेंट है ऑफ दिस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है अमंग दिस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में। और ये बात नहीं है कि जो भी ODS है वो केवल मैन मेड है या इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस होता है, ऐसा बात नहीं है, जो बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी हैं जिसके कारण ओजोन डिप्लीशन होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन जब होती है इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे एशेस निकलती है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस भी निकलती है इसके साथ है। तो ग्रीन हाउस गैस जब एनवायरनमेंट में रिलीज होती है तो वो हमारा ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको प्रमोट करती हैं, फिर हमारा जो ओजोन डिप्लेशन है उसको प्रमोट करती हैं। तो वन ऑफ द नेचुरल अगर कॉज देखोगे तो वोल्केनिक इरप्शन होगी, फिर सन स्पॉट होगी, तो सन स्पॉट भी हमारा जो ओजोन लेयर उसको उसकी जो थिकनेस उसको कम करने का काम करती है। फिर स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स होती हैं, तो स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स भी होती है वो भी इस ओजोन डिप्लीशन को प्रमोट करती हैं, लेकिन इनका आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो ये बेसिकली 1 to 2% है, मतलब कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली हम लोग जो इंडस्ट्रियली और जो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, जो मैन मेड है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है लगभग 98%, और जो नेचुरल वो बेसिकली 1 से 2% ही कंट्रीब्यूट कर रही है। आप अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे तो इसमें बात ये पहला है कि इट फेज डाउन द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन अ स्टेप वाइज टाइम बाउंड मैनर, ठीक है, तो ये बेसिकली बात करती है कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या करना है, स्टेप वाइज और टाइम बाउंड मैनर में उसको कम्प्लीट करना है। सो इट इम्बॉडीज द प्रिंसिपल agreed on the United Nations Conference on Environment and Development in 1992 that countries have the common but differential responsibility. It basically talks about the countries having the common goal but differential responsibility. इसमें ये बात बोली गई है कि जैसे हमारा common goal क्या है कि जो ozone layer का जो भी depletion की problem है
उसको देखनी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करनी है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डिफरेंशियल होगी, क्योंकि आप देखो कि जो भी इंडस्ट्रियल जो भी स्टेट्स है, जो कि बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास फाइनेंस है, तो वो ऐसे भी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ है जिनके पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, उनके पास फाइनेंस उतनी नहीं है कि वो ऐसे भी प्रॉब्लम से डील कर सके, कि वो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनका प्रोडक्शन नहीं करे, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी कि उनका जो प्रोडक्शन वो उन पर बैन लगा सके, उनको रोक सके, तो उनको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उनको फाइनेंस चाहिए होगी। तो इसलिए इसमें बात की गई है कि हमारा जो गोल है वो बेसिकली कॉमन है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट है, मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास फाइनेंस नहीं है। सो हैंस बोथ ग्रुप ऑफ द नेशन हैव टाइम बाउंड बाइंडिंग एंड मेजरेबल कमिटमेंट अंडर द प्रोटोकॉल मेकिंग इट इफेक्टिव। लेकिन इसमें ये भी बात बोली गई कि चूंकि ये जो ग्रुप है, एक डेवलप्ड कंट्रीज है, एक डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज का जो कॉमन गोल वो तो सही है, लेकिन जो डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। उनके लिए भी टाइम बाउंड दिए गए कि आपको इतना तक आपको ये जो प्रोटोकॉल्स है उसको इम्प्लीमेंट करनी है, आपको ये स्टेप्स लेनी है, और अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करती है, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेटेड बाय द प्रोटोकॉल आर लिस्टेड इन, पहला एनेक्स ए जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, फिर एनेक्स बी में उसमें बोली गई फुल्ली हाई जो हैलोजिनेटेड फुल्ली हैलोजिनेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, फिर एनएक्स सी में देखोगे तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एनएक्स ई में देखोगे तो मिथाइल ब्रोमाइड है, एंड एनएक्स फाइव में देखोगे तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एनएक्स में मेंशन्ड है ये बात पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये पूछ रही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन से एनएक्स में आती है, तो ये बात पूछी जा सकती है इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आप देखोगे तो एक मल्टीलेटरल फंड की एस्टेब्लिशमेंट की गई है अंडर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो द मल्टीलेटरल फंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज सेट अप इन 1991 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द प्रोटोकॉल। सो एज अ सेट कि बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज हैं वो टेक्निकली एंड फाइनेंशियली हेल्प करती हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज टू डील विद दिस प्रॉब्लम, और इसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक मल्टीलेटरल फंड। और इसमें क्या है कि जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो प्रोवाइड की जाती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है बाय द डेवलपिंग मेंबर्स, ठीक है। और इसमें ये बात बोली गई कि जो भी कंट्रीज है जिनका जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का जो प्रोडक्शन जो कि लेस देन 0.3 केजीज है, ठीक है, तो उसको बेसिकली जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल जो हेल्प चाहिए उसको ये थ्रू मल्टीलेटरल फंड थ्रू हेल्प की जाती है। और ये जो एक्टिविटीज़ है ऑफ दिस मल्टीलेटरल फंड वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बाई फोर बॉडीज होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये फोर जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली काम करती हैं कि जो मल्टीलेटरल फंड के थ्रू जो भी टेक्निकल एंड जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज को, तो वो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आप सक्सेस आप देखोगे, जैसे इस पिक्चर में आप देखो कि जो 1971 में हम लोग का जो ओजोन था तो यहाँ बहुत ही अच्छा था ओजोन, फिर क्या हुआ डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, तो अब जो हुआ डिप्रेशन लगभग 2000 बहुत ही कम हो गया था, यहाँ देखोगे ओजोन कितना होल हो चुका है, ठीक है, ओजोन। और अब क्या हुआ कि हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग ने जो कि लिया है सीरियसली इसको रेटिफाइड किया बहुत सारे कंट्रीज ने, तो हमारा जो ओजोन लेयर वो धीरे धीरे अब रिकवर कर रहा है। और ये बात बोली गई कि 2050 से लेकर 2070 तक हमारा जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही रिकवर कर लेगा, ये जो लेवल है उस लेवल में आ जाएगी। सो विथ यूनिवर्सल रेटिफिकेशन एंड टाइम बाउंड बाइंडिंग फ्रेमवर्क मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल इन सेटिंग आउट द अचीविंग इट्स मिशन ऑफ रिवर्सिंग डैमेज ओजोन डन, ठीक है। तो जो भी अर्लियर जो भी डैमेज हुई थी वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो 1971 में ऐसी थी ठीक थी, और फिर क्या हुआ ओजोन का डिप्लेशन हुआ तो इतना बड़ा जो अंटार्कटिका में होल हो गया,
फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे रिकवर हो रही है, आप पिक्चर में देख सकते हो. सो द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन अवॉइडेंस ऑफ 280 मिलियन स्किन कैंसर इंसिडेंट एंड ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन डेथ ड्यू टू स्किन कैंसर. तो एज अ सेट कि जो ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या होता है, जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पे आती हैं और उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे स्किन कैंसर के केसेस आते हैं. और आप अगर वर्ल्ड वाइड में देखोगे तो लगभग 280 मिलियन ऑफ स्किन कैंसर के इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, और उसमें लगभग 1.6 मिलियन अभी तक डेथ हो चुकी हैं. तो इसमें ये बात बोली गई कि अगर हम लोग जो ओजन है वो अगर रिकवर होंगे तो ये जो भी स्किन कैंसर की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो बंद हो जाएगी. फिर पार्टीज टू प्रोटोकॉल हैव बीन एबल टू फेज आउट लगभग 98% ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कंपेयर टू द लेवल ऑफ 1990. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन करने के बाद क्या हुआ कि जितनी भी पार्टीज ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया है तो उसके कारण क्या हुआ कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली 98% तक वो कम हो चुका है एज पर द लेवल ऑफ 1990. और किगाली अमेंडमेंट जो कि अमेंडमेंट हुई थी इन द प्रोटोकॉल वो बेसिकली हेल्प करती है इन द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इमिशन और ये बेसिकली डिक्रीज कर रही है ग्लोबल टेम्परेचर. तो अभी जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं तो किगाली एग्रीमेंट में ये बात बोली गई कि जो भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसका इमिशन को हम लोग क्या करना, रिडक्शन करना. और ये आप पाथ देख सकते हो, पाथ फ्रॉम किगाली एग्रीमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फेज डाउन टाइमलाइन. तो इसमें टाइमलाइन दिए गए कि 2047 तक हमको क्या क्या गोल्स को अचीव करनी है, ये सब इसमें दिखाई गई है, सब बातें बोली गई हैं. सो आप अगर देखोगे तो जो हम लोग क्या है सितंबर 16 को क्या डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे. और वर्ल्ड ओजोन डे भी हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हम लोगों ने ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसको साइन करा था और जो वियना कन्वेंशन है वो यूनिवर्सली रेक्टिफाइड हो चुकी थी. सो इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम देखते हैं कि, तो इंडिया बेसिकली उसने साइन करा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इन 1992 में. और इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया बेसिकली आर्टिकल 5 कंट्रीज में आती है और ये बेसिकली इंडिया जो है वो इंटाइटल है टू द असिस्टेंस फ्रॉम द मल्टीलेटरल फंड. तो जैसे मैंने बोला कि जो मल्टीलेटरल फंड में टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है थ्रू दिस 4 ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया भी उसमें बेनिफिशरी है. वो भी मल्टीलेटरल फंड के अंदर जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है और भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वो लेती हैं, ठीक है. और ये बेसिकली स्विच है और स्विच ओवर दी नॉन ओडीएस टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है तो वो जो टेक्नोलॉजी इंडिया को चाहिए वो थ्रू दिस एक्सेस करती हैं. सो इंडिया मेनली मैन्युफैक्चर एंड यूटिलाइज 7 out of 20 सब्सटेंस कंट्रोल अंडर दिस प्रोटोकॉल. तो जो भी सब्सटेंस जो कि अंडर दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कवर है उसमें केवल इंडिया जो कि 7 को ही यूज करती है और बाकी लगभग जो 13 सब्सटेंस है उसको इंडिया ने कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया है. और इंडिया में देखोगे तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने अंडर ही एक सेल को इस्टेब्लिश किया जिसको बोलते हैं ओजोन सेल. और ये ओजोन सेल क्या करती है, ये बेसिकली इंश्योर करती है कि जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जितने भी अमेंडमेंट के थ्रू जो भी नए प्रोविजंस हो रही हैं, जितनी भी बातें बोली जा रही है उसको टाइमली बॉन्ड में इम्प्लीमेंट करना, ये बात बोली जा रही है. और एज पर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फेज आउट, मिनिस्ट्री ने ये बात बोली है कि जो उन्होंने एक लॉ को नोटिफाइड किया है और रूल को नोटिफाइड किया जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, ठीक है. तो इसके थ्रू हम जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको हम लोग रेगुलेट प्लस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. और अपकमिंग लेक्चर्स में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर क्योटो प्रोटोकॉल और जितने भी एनवायरमेंट कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स है उसको कवर करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. एंड ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके आप बता सकते हो सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल्स. So thank you.